अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम वफाकी व सूबाई मुलाजमीन को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला का लाख लाख करम, अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान कि आज पंजाब का बजट भी पेश हो गया, खैबर पख्तूनख्वा का बजट भी पेश हो गया, जो गुज़िश्ता पेंशन के हवाले से हमारे पेंशनर साथियों को तहफ़ुज़ात थे, 15% पेंशन। पंजाब की बात करें तो 9 तारीख को यहीं पे वजारत खजाना के बाहर बैठ के मैंने आपको बता दिया था कि चीफ सेक्रेटरी साहब से बात मेरी हुई है। जो एक कमिटमेंट, जो 16 मार्च को मुज़ाकरात में मैं मौजूद था और 1-to-1 मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने जो एग्री किया था 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस रनिंग बेसिक पे के ऊपर, आज उसका भी ऐलान हो गया। प्लस 15% ये जो अभी इजाफा हुआ वफाक का, वो और तमाम एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह में जम करने के हवाले से, बिल्कुल इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी, क्योंकि 15% उनको पहले से मिल गया था, आज 15% मजीद एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस। और ख़ास तौर पर जो एडहॉक असातिज़ा थे, आल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस के साथ मुंसलिक भी थे और एक बड़ा दरीना मसला था उनके मुंसलिकली का, वो भी हल हुआ। हमारे वफाक के हवाले से 15% का इजाफा एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस जम। एक जो खबर चल रही है, जो एक डॉक्यूमेंट गर्दिश कर रहा है 15, जिसमें 150% एग्जेक्टिव अलाउंस और दीगर चीज़ें हैं, उसमें दीगर मुलाजमीन का 100% कन्वेंस अलाउंस भी है। तो दुआ करें कि ये डिस्पैरिटी के अंदर मज़ीद इजाफा करें ताकि हमारी जस्टिफिकेशन मज़ीद स्ट्रांग हो जाए, और इसी बहाने में अगर इनका हो जाएगा तो हमें भी 100% कन्वेंस अलाउंस मिल जाएगा। मगर ये जहन में रखें कि यहाँ से हमारी जिद्दोजहद के अंदर एक और मज़ीद तेज़ी आएगी, हमारी बुनियाद जो है स्ट्रांग हो जाएगी। वफाक के जो मेजर दो इश्यूज मेरी नज़र में अभी रहते हैं डिस्पैरिटी के अलावा, जो तनख्वाहों की तफरीक थी, एक वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन और दूसरा डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट एडहॉक और पीएम असिस्टेंट पैकेज के जो मुलाजमीन है उसको रेगुलराइज करवाना। लेटेस्ट अपडेट दे दूं कि अपग्रेडेशन के हवाले से जो समरी थी, आपको पहले भी बताया था कि हमें आगाह नहीं किया जा रहा था, बंद लफाफे में ही थी। बंद लफाफे में हमारे जुमे के दिन जो एहतजाज था हमारा यहाँ पर जारी था, उस एहतजाज के प्रेशर में आई और वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक जा चुकी है, और उसमें जो इतलात मिली हैं उसमें यही है कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रिजेक्ट नहीं हुआ, मगर उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पे कमेटियां बना के वो डिसाइड करेंगी और उनको एक टाइम लिमिट दे दी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान भर के बहुत से कैडर्स हैं, तो ये कमेटियाँ केस टू केस बेसिस के ऊपर मिनिस्ट्रीज जो हैं भेजेंगी, उनके अपने अपने सर्विस रूल्स हैं जो भी मामला हैं। तो ये उसके हवाले से अपडेट है। इंशाल्लाह ताला मिफ्ता इस्माइल साहब से हम टाइम लेने की कोशिश कर रहे हैं, हकूमत का हमने भरपूर तरीके से शुक्रिया भी अदा करना है। गैर सियासी रहेंगे, जो भी मौजूदा हकूमत है इंशाल्लाह ताला हम इनके साथ शाना बशाना रहेंगे, और इनकी जो भी पॉलिसीज होंगी मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए उसमें अपना बेहतरीन और कलीदी किरदार अदा करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, खास तौर पे उन लोगों के लिए मैसेज है जो ये कहते थे कि रहमान बाजवा वफाक में सूबों को बुला के सूबों को इस्तेमाल करता है, सिर्फ सूबों को वफाक को फायदा मिलता है सूबों को नहीं। इस 10 फरवरी को भी कोई एहतजाज हमने नहीं किया, हुकूमत का शुक्रिया अदा किया था, और उसके समरात 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के सूबों में पहुंच चुके, प्लस एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस आल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस अगीगा में शामिल जितनी भी तंजीमें थी, जितने भी साथी थे और जो जाती हैसियत के अंदर यहाँ पे आए, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपसे वादा है, पहले भी था और अभी भी, कि इंशाल्लाह ताला शुरुआत है। आज भी पे एंड पेंशन कमीशन की फाइनल मीटिंग थी, रिपोर्ट आ चुकी है उसके ऊपर, जैसे ही वो रिकमेंडेशंस आती हैं तो हाउस रेंट, मेडिकल कन्वेंस अलाउंस, तनख्वाहों के तफरीक के हवाले से जो सिफारिशात आएंगी ये जारी रहेगी। ये जिद्दोजहद जो हमने स्टार्ट की है वो तनख्वाहों में तफरीक के खात्मे के लिए है, तो जिसको भी आपने इजाफा देना है आप देते रहें। तफरीक साथियों को मैं बताता चलूं कि जो कहते हैं डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के खिलाफ है, जब तक डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस नहीं दिया जाएगा तफरीक खत्म नहीं होगी,
दुआओं में याद रखिएगा और नेक्स्ट जो भी कॉल दें साथ मुखलिस होके आपने जब कॉल दी जाए एहतजाज की शिरकत करनी है, मगर मुझे नहीं लगता, मुझे उम्मीद है कि यह गवर्नमेंट जो है हमारे मुतालिबात बगैर लाठी चार्ज आंसू गैस शेलिंग के वैसे ही इंशाल्लाह।